2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। लोगों ने इस अभियान के साथ जुड़ने की अपील भी की गई थी, लेकिन इतने सालों बाद भी इस अभियान की खुद मेरठ नगर निगम धज्जियां उड़ा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हैं स्वच्छ भारत की, हमारे स्वच्छ भारत की, साफ सुंदर भारत की, विकास की तरफ अपने कदम बढ़ाते भारत की। ये स्वच्छ भारत की तस्वीरें हैं मेरठ के हापुड़ रोड स्थित कमेले की, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इस गंदगी का जिम्मेदार खुद नगर निगम है, जिसने इस स्थान को कूड़ा घर बना रखा है। गंदगी के विरोध में स्थानीय लोगों में आक्रोश है, जो नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इलाके की जनता ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक सामाजिक संस्था के बैनर तले बेबुनियादी धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल तत्कालीन सपा सरकार में इस इलाके में कमेले यानी कि बूचड़ खाने हुआ करते थे। पूरा इलाका कमेले की दुर्गंध से परेशान रहता था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद यहाँ के बूचड़ खाने बंद करा दिए गए थे। अब बूचड़ खाने तो नहीं, लेकिन नगर निगम ने कोरोना काल में लॉकडाउन के समय यहाँ डंपिंग ग्राउंड बना दिया। हर दिन शहर का कई सौ टन कूड़ा यहाँ लाकर फेंक दिया जाता है, जिससे इलाके के लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। हमारे मुख्यमंत्री से कहते हैं कि उनका जो नारा है स्वच्छ भारत का नारा, जब भी साकार होगा, जब ठेलों से कूड़ा उठना घरों से बंद होगा। आज के टाइम में व्हीकल का जमाना, छोटे हाथी छोटे रिक्शे चलने चाहिए, गली मोहल्ले में चाहिए। बहुत सारी गाड़ियों का उन्होंने अभी हरी झंडी देकर रवाना किया पुलिस लाइन। नहीं देखिए, लीवन कार्ड नहीं मसला नहीं होता, जो उनके जो नीचे की मशीनरी है उस पर भी कार्रवाई हो, उनके साथ बाकायदा उनका फोकस होना चाहिए, कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा। हम देखते हैं गाड़ी यहाँ से चली जाती, कोई कहीं खड़ा होता कोई खड़ा होता, तो उसका भी इन्हें ध्यान देने की जरूरत है। हमारे मुख्यमंत्री पूरा यकीन है, जैसे कानून का सुधार रहे ऐसी सफाई व्यवस्था भी सुधारेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है, क्योंकि सर पर नगर निगम के चुनाव सर पर है, हर आदमी प्रत्याशी की तैयारी में लगा है, पार्षद प्रत्याशी, तो क्या लगता है आपको जो पार्षद बन गए हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? देखिए, असल हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो पार्षद जीत गया उसके बाद ये समझता है कि मेरा क्षेत्र कोई काम ही नहीं बचा। वो नगर आए निगम को अपना पार्षद घर मानता है, जनता को नहीं मानता। जो लोग पार्षद जीत कर जाते हैं, जितना फोकस वहाँ मेहनत करते थे, मेहनत इनके बीच में करनी चाहिए। जैसा लोग हम धरने पे बैठे हैं, जिले मेरठ का कोई भी पार्षद अगर फिर नगर निगम में जाकर धरने बैठ जाए तो हम लोगों को जुटना पड़ेगा। सर, धरने पे क्यों बैठना है आप, जब देखिए इतनी बड़ी जमात करा रहे हैं आप, दो चार पार्षदों के ऊपर डालिएगा, पूछिएगा साहब कितना काम आपने किया, कितना पैसा आपने उठाया, अभी पता चल जाएगी कितना दम है उन लोगों को। जो कानूनी कार्रवाई उसे भी करेंगे, हर चीज को खोला करेंगे, हम किसी बात से पीछे नहीं है। अगर हमें न्यायालय जाना पड़ेगा वहाँ भी जाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कमेले की दुर्गंध खत्म होने के बाद अब यहाँ कूड़े की दुर्गंध से जीना दूभर हो गया है। इस डंपिंग ग्राउंड के पास एक अस्पताल भी है, जहाँ मरीजों को भी इस दुर्गंध से परेशानी होती है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी कदम नहीं उठाया गया तो वो शहर विधायक और सांसद के घर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरठ से न्यूज वॉच इंडिया के लिए मनव्वर चौहान की रिपोर्ट।